छुपा लूं इस तो इंटरमीडियो जो लिरिक्स स्टेटस वाला वीडियो देखे इस टाइप की वीडियो अपने इंस्टाग्राम रील में बहुत ही ज्यादा वायरल है और भी ट्रेंड में चल रहा है। अगर आपको क्रिएट करना है मतलब एडिटिंग सीखना है तो ये मेरा छोटा सा वीडियो को जरूर लास्ट तक देखना, मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले आपको इनशॉट एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे मिलेगा वीडियो ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पे मिलेगा दो और ऑप्शन, वीडियो एंड फोटो। तो सबसे पहले आपको फोटो के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको एक ब्लैक इमेज को इस तरह से ऐड कर लेना है, ठीक है। तो देख सकते हो मैंने यहाँ पे एक ब्लैक इमेज को ऐड कर लिया हूँ, तो इस तरह से आपको भी कर लेना है। उसके बाद अब क्या करना है, ये जो फोटो है इस फोटो का रेशियो आपको सबसे पहले चेंज करना है 9:16 वाले रेशियो में कर लेना है। तो ये ब्लैक इमेज के ऊपर क्लिक करना है कुछ इस तरह से, एंड स्टार्टिंग मिलेगा एक कन्वर्स वाला ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करना है। एंड आपको नीचे मिलेगा बहुत सारा रेशियो, तो आपको 9:16 वाले रेशियो के ऊपर क्लिक करना है जो रील का रेशियो है। उसके बाद यहाँ पर 10 के ऊपर क्लिक करना है। एंड ये जो फोटो है इस फोटो का ड्यूरेशन को इस तरह से आपको लॉन्ग कर लेना है, जितना सेकंड या फिर जितना मिनट में वीडियो क्रिएट करना है, ठीक है। उसके बाद अब क्या करना, वीडियो के स्टार्टिंग में जाना है। जाने के बाद यहाँ पे अब आपको सॉन्ग ऐड करना है, जो भी आपको सॉन्ग को वीडियो क्रिएट करना है। तो इंटर में जो सॉन्ग सुने वही वाला सॉन्ग को हम ऐड करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मिलेगा म्यूजिक वाला ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करना है। म्यूजिक प्लस के ऊपर क्लिक करना है। माई म्यूजिक में जाकर यहाँ से आप सॉन्ग को ऐड कर सकते हो। तो मेरा जो सॉन्ग है यहाँ पे ऐड हो चुका है, देख सकते हो मैंने यहाँ पे सॉन्ग को ऐड कर लिया हूँ। तो इस तरह से आपको भी कर लेना है, ठीक है। सॉन्ग ऐड करने के बाद अब क्या करना, सॉन्ग का ड्यूरेशन जितना रहेगा उतना आपको ये फोटो का ड्यूरेशन को कर लेना है कुछ इस तरह से, ठीक है। इतना करने के बाद अब क्या करना, वीडियो के स्टार्टिंग में जाना है। जाने के बाद यहाँ पे अब आपको सॉन्ग में बीट मार्क ऐड करना है लिरिक्स के अकॉर्डिंग। तो म्यूजिकल ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करना है। ये जो म्यूजिक मैंने ऐड किया इसमें आपको क्लिक करना है। उसके बाद ऊपर मिलेगा बहुत सारा टूल्स, थोड़ा सा स्लाइड करना है, यहाँ पे मिलेगा बीट वाला ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करना है। एंड आपको सॉन्ग को स्टार्टिंग से सुना है एंड लिरिक्स के अकॉर्डिंग बीट मार्क ऐड करना है, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पे सॉन्ग में बीट मार्क ऐड कर लिया हूँ। तो इस तरह से आपको लिरिक्स के अकॉर्डिंग बीट मार्क ऐड कर लेने। उसके बाद यहाँ पे डन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद अगेन आपको डन के ऊपर क्लिक करना है। तो इतना हो जाने के बाद अब क्या करना, आपको एक फोटो यहाँ पर ऐड कर लेना है, कपल वाला फोटो। तो वीडियो के स्टार्टिंग में जाना है। जाने के बाद यहाँ पे अब आपको फोटो ऐड करना है। तो ऊपर मिलेगा बहुत सारा टूल्स, थोड़ा सा स्लाइड करना है, यहाँ पे मिलेगा PIP वाला ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करना है एंड फोटो के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको एक कपल वाला फोटो को यहाँ पर ऐड करना है। देख सकते हैं मैंने ऐड कर लिया हूँ, तो इस तरह से आपको भी कर लेना है। उसके बाद ये कपल वाला फोटो को आपको इस तरह से फुल स्क्रीन पर करना है, ठीक है। इतना करने के बाद इसका जो ड्यूरेशन है वीडियो का लास्ट तक का लेना, ये कपल वाला फोटो का ड्यूरेशन कुछ इस तरह से। उसके बाद अब क्या करना, कपल वाला फोटो को आपको हल्का सा एडजस्टमेंट कर लेना है एंड आपको चारों तरफ मतलब आपको गोल आइकन में करना है एंड चारों तरफ आपको ब्लैक शेडो क्रिएट करना है, ठीक है। तो वो चीज़ करने के लिए आपको ऊपर मिलेगा बहुत सारा टूल्स, थोड़ा सा स्लाइड करना है, यहाँ पर मिलेगा मास्क वाला ऑप्शन, यहाँ पर क्लिक करना है। और देख सकते हैं यहाँ पर 4 नंबर में जो ऑप्शन मिलेगा इसको सिलेक्ट कर लेना है, देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। कुछ इस तरह से मेरा हो जाएगा। उसके बाद इस तरह से एरो को पकड़ कर इस तरह से आपको छोटा कर लेना है फोटो को, ठीक है। ये देख सकते हो, छोटा करने के बाद नीचे जो एरो मिलेगा ये एरो को नीचे को और इस तरह से स्क्रॉल करना है। तो यहाँ पे शेडो क्रिएट हो जाएगा ब्लैक जैसा, ये देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से कर लेना है, ठीक है, लाइक इतना। उसके बाद यहाँ पे डन के ऊपर क्लिक करना है एंड ये फोटो को आपको हल्का सा छोटा कर लेना है दोनों फिंगर से, ठीक है। एंड मास्क वाला ऑप्शन में जाकर थोड़ा और यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है, ठीक है, अब सही है। उसके बाद यहाँ पर डन के ऊपर क्लिक करना है, देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से मेरा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब क्या करना, ये फोटो को आपको हल्का सा एडजस्टमेंट कर लेना है एंड येलो टोन में यहाँ पे फोटो को करना है, ठीक है। तो फोटो के ऊपर क्लिक करना है, ऊपर मिलेगा बहुत सारा टूल्स, तो यहाँ पे मिलेगा आपको फिल्टर वाला ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करना है। एडजस्ट के ऊपर क्लिक करना है, सबसे पहले आपको लाइटनेस को हल्का सा घटा लेना है कुछ इस तरह से, -10 एंड यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट को हल्का सा बढ़ा लेना है। उसके बगल में देख सकते हो वार्प वाला ऑप्शन मिलेगा, इसमें क्लिक करना है एंड इसको करना है +10 या फिर 11 कर लेना है, ठीक है। एंड यहाँ पे मिलेगा विग्नेट वाला ऑप्शन, विग्नेट को हल्का सा इंक्रीज करना है एंड शार्पन को करना है 50%,
ठीक है। ये देख सकते हो मेरा एडजस्टमेंट कुछ इस तरह से हो जाएगा, थोड़ा येलो टोन में हो चुका है मेरा फोटो, तो इस तरह से आपको कर लेना है फोटो के अकॉर्डिंग आपको एडजस्टमेंट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद अब यहाँ पे लिरिक्स लिखना है, जो सॉन्ग का लिरिक्स है, तो उसको लिखने के लिए यहाँ पे हमने कहा टी वाला ऑप्शन, टेक्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे क्लिक करना है, टी प्लस के ऊपर क्लिक करना है, एंड सबसे पहले सॉन्ग का जो लिरिक्स है उसको लिख लेना है। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे व्हाट्सएप में लिख कर रखा हूँ जो लिरिक्स है, ताकि वीडियो लंबा ना हो, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ से हम कॉपी कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे कलर वाला ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करना है, जो भी आपको कलर पसंद है वो कलर आप ऐड कर सकते हो यहाँ पे, तो येलो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मिलेगा डबल ए वाला ऑप्शन, मतलब फॉन्ट वाला ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करना है, एंड जो फॉन्ट रहेगा आपको ये वाला फॉन्ट को ऐड कर लेना है। देख सकते हैं यहाँ पे गो बोल्ड, ये वाला फॉन्ट को ऐड कर लेना है। तो इस वीडियो में जितना भी मटेरियल वगैरह ऐड होगा, मतलब फॉन्ट वगैरह, फोटो, सॉन्ग, ये सब जितना भी ऐड हो रहा है इस वीडियो में, सबका लिंक मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल या फिर इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। तो ये फॉन्ट को आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे एनिमेशन वाला ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। एंड आपको यहाँ पे बहुत सारा आपको एनिमेशन देखने के लिए मिल जाएगा, तो आपको जो भी एनिमेशन पसंद है वो एनिमेशन ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये वाला एनिमेशन को ऐड कर लेता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत सारा आपको एनिमेशन मिलेगा, जो आपको पसंद है वो एनिमेशन ऐड कर सकते हो। तो हम यहाँ पे ये वाला एनिमेशन को ऐड कर लेता हूँ, एंड इसका जो टाइम ड्यूरेशन है एकदम फुल कर लेना है कुछ इस तरह से, एंड आपको आउट एनिमेशन को ऑफ रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डन के ऊपर क्लिक करना है, एंड इसका जो साइज है आपको यहाँ पे एडिट वाला ऑप्शन में जाना है, एंड जो साइज है आपको इस तरह से छोटा कर लेना है, 10 कर लेना है, ठीक है। उसके बाद डन के ऊपर क्लिक करना है, एंड आपको अब नीचे इस जगह पे सेट करना है, ठीक है। उसके बाद इसका जो ड्यूरेशन है वीडियो का लास्ट तक इस तरह से कर लेना है, एंड जो पहला बीट है देख सकते हैं यहाँ पे है, तो यहाँ पे चल लेना है, एंड जो लिरिक्स है उसको स्प्लिट कर लेना है कुछ इस तरह से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एडिट वाला ऑप्शन में क्लिक करना है, एंड जो सेकंड लिरिक्स है उसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना है, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक, ये देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे डन के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद वाला जो बीट है यहाँ पे चल जाना है, एंड ये जो लिरिक्स है इसको स्प्लिट कर लेना है, एंड एडिट वाला ऑप्शन में जाना है, एंड जो आगे का लिरिक्स है कॉपी पेस्ट करके पूरा कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। तो चलिए ये चीज़ को जल्दी से कर लेता हूँ, उसके बाद आगे का प्रोसेस बताता हूँ। तो गाइस देख सकते हो मैंने यहाँ पे पूरा लिरिक्स को लिख लिया हूँ, तो इस तरह से आपको एक एक करके कर लेगा, देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से आपको लिरिक्स को लिख लेना है। उसके बाद अब क्या करना है, वीडियो को स्टार्टिंग में जाना है, जाने के बाद यहाँ पे डन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद अब यहाँ पे एक इंक इफेक्ट वाला वीडियो को ऐड कर लेना है स्टार्टिंग में। उसके बाद आपको थोड़ा बहुत इमोजी ऐड करना है, ठीक है, व्हाइट इफेक्ट वाला इमोजी को ऐड कर लेना है। तो ये सब वीडियो वगैरह ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे मिलेगा पीआईपी वाला ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करना है, पीआईपी प्लस के ऊपर क्लिक करना है। सबसे पहले आपको इंक इफेक्ट वाला वीडियो को ऐड करना है, तो वीडियो वाला ऑप्शन में क्लिक करना है और आपको ये वीडियो को ऐड कर लेना है, ठीक है, स्टार्टिंग में, एंड फुल स्क्रीन पर करना है, एंड यहाँ पे मिलेगा ब्लेंड वाला ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करना है और आपको स्क्रीन मोड में कर लेना है, ठीक है। उसके बाद डन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे मिलेगा एडजस्ट वाला ऑप्शन, ठीक है, मतलब फिल्टर के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे मिलेगा एडजस्ट वाला ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद नीचे में बहुत सारा आपको टूल्स मिलेगा, थोड़ा सा स्लाइड करना है, यहाँ पे मिलेगा शेडो वाला ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करना है, एंड आपको -50 कर लेना है शेडो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डन के ऊपर क्लिक करना है, तो देख सकते हैं यहाँ पे इंट्रो कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको कर लेना है। उसके बाद अब क्या करना है, यहाँ पे व्हाइट इमोजी को ऐड करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, पहला जो बीट है यहाँ पे चल लेना है, या फिर सेकंड वाला बीट में आ जाना है कुछ इस तरह से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पीआईपी प्लस वाला आइकॉन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करना है, फोटो के ऊपर क्लिक करना है, एंड इस तरह से आपको इमोजी ऐड कर लेना है, ये देख सकते हो। तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में बहुत सारा आपको इमोजी मिल जाएगा इस तरह का, तो वहाँ से आप इजीली डाउनलोड करके ऐड कर सकते हो न्यू, ठीक है। उसके बाद आपको फुल स्क्रीन पर करना है कुछ इस तरह से, एंड इसका जो ड्यूरेशन है, इसका ड्यूरेशन रखना है आपको 0.2 सेकेंड, ठीक है, ये देख सकते हो, ठीक है, 0.2 सेकेंड कुछ इस तरह से आपको कर लेना है, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से कर लेना है। एंड अगर आपको स्टार्टिंग में करना है यहाँ पे ऐड, तो यहाँ पे चल जाना है पीआईपी प्लस के ऊपर क्लिक करना है और इस तरह से आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। एंड इसका जो ड्यूरेशन है आपको रखना है 0.2 सेकेंड कुछ इस तरह से, ठीक है, ये देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर आपको यहाँ पे ऐड करना है, तो यहाँ पे चल जाना है पीआईपी प्लस के ऊपर क्लिक करना है एंड इस तरह से ऐड कर सकते हो, एंड जो ड्यूरेशन रहेगा आपको रखना है 0.2 सेकेंड, ठीक है। तो चलिए सब जगह हम ऐड कर लेता हूँ।
तो देख सकते हो मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह से मैंने ऐड कर लिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे डन के ऊपर क्लिक करना है। तो गाइज फाइनली मेरा वीडियो कुछ इस तरह से इंट्रो के साथ कंप्लीट बन के रेडी हो चुका है। देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पर। ठीक है, तो इस तरह से आप वीडियो को बना सकते हो। मैंने आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बता दिया हूँ एंड इंस्टाग्राम रील में पोस्ट भी कर सकते हो। उसके बाद अब क्या करना है, इस वीडियो को करना है सेव। ऊपर मिलेगा सेव ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करना है। फेवरेट इसको 60 करके वीडियो को हाई क्वालिटी में सेव करना है। तो मेरा जो वीडियो यहाँ पे सेव होने स्टार्ट हो चुका है। सो या थैंक्स वॉचिंग। सो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।